हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर इज द इररेगुलर ट्राइंगल नॉन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू किसे कहा जाता है, समझ में आया? लगभग हाइट 150 मीटर तक उठा हुआ होता है, ये 600 से 900 मीटर तक। इरेगुलर ट्रायंगल नॉन एज पेनिनसुलर। दिल्ली रिज इज द नॉर्थ वेस्ट, द राजमहल हिल इज द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ कंस्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज कहाँ तक फैला हुआ है, देखो। सबसे पहले दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ के बाद गुजरात, यानी कि साउथ में गिर, ईस्ट में राजमहल हिल्स, और साउथ में कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो चारों तरफ फैला हुआ है। हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका फैलाव देखने को मिलता है। कहाँ? शिलोंग और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू पे। द पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेट्यू सच एज हजारीबाग प्लेटू, पलामू प्लेटू, रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू, इस तरह के ढेर सारे प्लेटूज से मिलकर बना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्लेटू एंड द कर्नाटका प्लेटू। तो ये ढेर सारे प्लेट्यूज हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही पुराना है और साथ ही साथ स्टेबल भी है। यहाँ बहुत सारे मतलब एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस कम होते हैं, यहाँ पर कार्य कम होता है ऐसा। द जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेटू इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट की ओर एलिवेशन है, उठाव है, विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। नेम सम रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू विच हैव देयर कन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड मेंशन सम लैंडफॉर्म्स विच आर टिपिकल टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बट आर एबसेंट इन द वेस्ट फ्लो रिवर्स, ठीक है। यहाँ के अगर फिजियोग्राफिक फीचर्स की हम बात करें, तो यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो जिसमें ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैलीज हैं, स्पूर्स हैं, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज ऑफ ह्यूमोकी हिल्स हैं, और वॉल लाइक क्वार्टाइज डाइक्स ऑफरिंग नेचर साइट्स हैं, जहां वाटर स्टोरेज किया जा सकता है। द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू हैज एन इम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किस चीज़ के लिए अच्छा होता है? ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए अच्छा होता है। किस चीज़ के लिए? कॉटन के लिए। मेनली कर्नाटका वाले साइड पर पाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट याद रखिएगा। द पेनिनसुलर प्लेटू हैज अंडरगोन रिकरेंट फेजेज ऑफ अपलिफ्टमेंट, मतलब ऊपर उठता रहा है, सबमर्जेंस अकॉम्पनीड विथ क्रस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स। तो क्रस्ट के बीच जब टकराव होता है तो यह ऊपर भी उठता है और कभी कभी सबमर्ज भी हो जाता है। देखो, द भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ इट्स रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो भीमा फॉल्ट के बारे में बताया है। दिस स्पेटियल वेरिएशंस हैव
but in element of diversity in the relief of the peninsular plateau. The northwestern part of the plateau has a complex relief of ravines and gorges. The ravines of Chambal, Bhind and Moriana are some of the well-known examples. On the basis of prominent relief feature, the peninsular plateau को कितने भागों में divide किया गया है? तीन भागों में. The Deccan Plateau, the Central Highlands and the Northeastern Plateau. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दक्कन प्लेटू. दक्कन प्लेटू का बॉर्डर देखो, दिस इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स. कौन से वेस्टर्न घाट्स से बॉर्डर होता है? ईस्टर्न घाट से बॉर्डर होता है ईस्ट में, और सतपुरा, माइकल रेंज और महादेव हिल्स नॉर्थ में. तो इसके बॉर्डर किधर देखो, वेस्ट में बनाता है वेस्टर्न घाट से, ईस्ट में बनाता है ईस्टर्न घाट से, और नॉर्थ में माइकल रेंज, महादेव हिल्स वगैरह से बॉर्डर बनाता है. वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नॉन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज सहायद्री. वेस्टर्न घाट्स को लोकली सहायद्री के नाम से जाना जाता है. महाराष्ट्र में नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, और अन्नामनाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है. वेस्टर्न घाट्स को सहाद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक में कहा जाता है, और अन्नामनाई हिल्स और कार्डमम हिल्स कहा जाता है केरला में. वेस्टर्न घाट्स का जो एलिवेशन है, जो उठाव है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले. द एवरेज एलिवेशन इज 1500 मीटर तक का उठाव देखने को मिलता है. अनाईमुड़ी जो है वो द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, लोकेटेड इन अनामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो सबसे अनाईमुड़ी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है. किस चीज़ का? अनाईमुड़ी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स का. ठीक है, और नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? दोबा बेटा. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स कंप्राइजेस द डिसकंटिन्यूअस विथ लो हिल्स आर हाईली इरोडेड विद द रिवर सच एज महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा, द कावेरी एटसेट्रा. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस इंक्लूड द जावरी हिल्स, पालाकोंदा रेंज, नल्लामला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी. तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये दोनों मैप कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे जाकर मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कि यहाँ है. ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में देखिए. दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट ऑफ बाय द अरावली रेंजेस. ये बाउंडेड है अरावली रेंजेस से वेस्ट में, इसके वेस्ट में अरावली रेंजेस है. ठीक है, सतपुरा रेंज एक सीरीज से बनी हुई है स्कार्प प्लेटू ऑन द साउथ. जनरली एट एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन 600 से 900 मीटर का ऊंचा, मतलब उठाव चढ़ाव देखा जाता है, और यही है द फॉर्म्स, और यही बनता है नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू. इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेलिकेंट माउंटेन विच आर हाईली डिन्यूडेड एंड फॉर्म डिसकंटिन्यू रेंजेस. द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट. ठीक है, वेयर इट हैज बीन कवर्ड बाई द लॉन्गिट्यूडनल सेंड रिजेस एंड क्रीसेंट सेप्ड सेंड ड्यून्स कॉल्ड बर्चन्स. तो क्रीसेंट सेप्ड सेंड ड्यून्स को क्या कहा जाता है? बर्चन्स. दिस रीजन हैज अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस. इस इलाके में मेटामॉर्फिक प्रोसेस होती हैं आंतरिक हिस्सों में, जो कि एक जियोलॉजिकल इतिहास है. विच कैन बी कोरोबोरेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, पत्थर पाए जाते हैं, जैसे कि मार्बल, स्लेट, जेनेसिस. ये क्या है? पत्थर है,
और आपको पता होगा कि संगमरमर वगैरह का जो पत्थर होते हैं वो ज्यादातर राजस्थान वगैरह से ही लाए जाते हैं। ज्यादातर जो यमुना की सहयोगी नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, वो ज़्यादातर कहाँ से उत्पत्ति होती है? उनकी विंध्यान और कैमूर रेंजेस की पहाड़ियों से। बनास इज़ द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल। बनास क्या है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली से। ठीक है, याद रखिएगा। एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म्ड बाई राजमहल हिल्स टू द साउथ ऑफ विच लाइज अ रिजर्व ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ मिनरल्स रिसोर्सेज भी पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट। इनफैक्ट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिसुलर प्लेटू। तो ये मेन पेनिसुलर प्लेटू का ही फैलाव है। और ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है, कि एक्सर्टेड बाई नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट के नॉर्थ ईस्ट वर्ड, नॉर्थ से ईस्ट की ओर मूवमेंट करने के टाइम हिमालयन ओरिजिन हुआ। अ ह्यूज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्स। तो मेघालय की प्लेट और राजमहल हिल्स वाली प्लेट टकराई, ठीक है, और इससे जो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन गॉट फील्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटीज ऑफ द नमरस रिवर्स। तो उससे जो डिप्रेशन हुआ उसको किसने फिल किया? नदियों ने फिल किया। देखो इसको अच्छे से एक बार यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको तब समझ में आएगा। इसको एक्सटेंशन को, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो आई होप आपको समझ। देखो मान लो कि ये जो है ये हमारा एक प्लेट है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट है। ज़्यादा मोटा हो गया, हरे राम। चलो अब एक बार फिर से देखते हैं। ये मान लो ये हमारी एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट्स हैं, ये आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट क्या होगी, ये एक प्लेट नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। एक प्लेट इधर नीचे चली जाएगी और एक प्लेट इधर से फिर ऊपर की ओर उठ जाएगी, राइट। तो बीच में जो गड्ढा होगा इस जगह पर, इसको कौन फील करेगा? रिवर्स फील करेंगे, ठीक है। और ये जो एलिवेशन होता है, ये जो उठता है, ये माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं। और ये जो घुस गया है, ये किसी और चीज़, यहाँ का जो प्लेट है इसको अपलिफ्ट करेगा, उठाएगा, तो ये प्लेट्यूज वगैरह का निर्माण में सहायक होंगी, हेल्पफुल होंगी। तो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो पृथ्वी के, देखो ये हमारी मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी का सेंटर हो गया, ये पृथ्वी का सेंटर हो गया। तो अगर आप पृथ्वी को इस हिसाब से डिवाइड करोगे, इस हिसाब से, तो टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ होती हैं इस तरह से, एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप, ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक सिट, ये अलग अलग प्लेट्स हैं और ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पर। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूवमेंट की वजह से एक दूसरे से टकराती हैं, तो कहीं कहीं पर माउंटेन्स बन जाते हैं और कहीं कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, बस यही बात है। तो जो वो गड्ढा होता है उसको रिवर्स भर देती हैं डिपॉजिट्स लाला के, ठीक है। देखो मेघालय और कार्बी आंगलंग की जो प्लेट्यू है, तो मेघालय एंड कार्बी आंगलंग की जो प्लेट्यू है वो डिटैच्ड रहती है, वो एक दूसरे से अलग रहती हैं, मेन पेंसुलर ब्लॉक से वो दोनों अलग रहती हैं। द मेघालय प्लेट्यू इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू, मेघालय प्लेट्यू को भी फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया। नंबर गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ठीक है। इस साइड में गारो रहता है, बीच में खासी और साइड में जयंतिया, ठीक है।
आई होप कि आपको इतना याद होगा लोकेशन। और गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों ट्राइबल ग्रुप्स के नेम हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के नेम हैं जो यहाँ रहते हैं, ठीक है, जनजातियों के नाम हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द कार्बी आंगलोंग हिल्स ऑफ असम। तो कार्बी आंगलोंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी इसका फैलाव देखने को मिलता है, एकदम जैसे छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता हो। द मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल। मेघालय की जो प्लेटू है ये बहुत ही रिच है मिनरल्स में, जैसे कि यहाँ कोयला, आयरन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम, ये सब कुछ मिलता है। तो ये बहुत ही रिच है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। आपको पता होगा मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, और मौसिनराम में एक जगह है चेरापूंजी, जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। एक बार फिर से सुन लो, मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, और मौसिनराम में एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एज ए रिजल्ट द मेघालय प्लेटू हैज़ अ हाईली इरोडेड सरफेस। इरोडेड सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन है वहाँ की मिट्टी को बहुत ज़्यादा कटाव का मतलब नदियाँ काट कर उसको इरोड करती हैं, ठीक है। देखो, चेरापूंजी डिस्प्लेज अ बेयर रॉकी सरफेस। बेयर रॉकी सरफेस मतलब वहाँ ज़्यादा पथरीली ज़मीन है। अब इंडियन डिजर्ट देख लेते हैं। इंडियन डिजर्ट, द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। सबसे पहले मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? इस तरफ। इस तरफ क्या है? यहाँ पे क्या है? गुजरात और राजस्थान। एम आई राइट? मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो ये जियोग्राफी को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स लाइज ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहाँ लाइज करता है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज़ द लैंड ऑफ अनड्यूलोटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चन्स। दिस रीजन रिसीव, इस इलाके में बहुत कम बारिश होती है, 150 mm से भी कम एक साल में। शुष्क मौसम होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लो वेजिटेशन होता है यहाँ पे, मतलब वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, ठीक है। और इसीलिए इस इलाके को क्या कहा जाता है? मरुस्थल, मरुस्थली। मरुस्थली का मतलब जहाँ कोई भी जीव, मतलब पेड़ पौधे ना हो, जीव जंतु एकदम कम से कम पाए जाते हों, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आज जो राजस्थान है वो मेसोजोइक पीरियड में, मेसोजोइक युग में पानी से पूरा पूरी तरह डूबा हुआ था, वहां एक समुद्र था। दिस रीजन वॉज अंडर द सी, वहां एक समुद्र था। और दिस कैन बी कोरोबोरेटेड बाई एविडेंस अवेलेबल एट वुड फॉसिल्स पार्क एट अकाल एंड मैराइन डिपॉजिट्स अराउंड भामसर नियर जैसलमेर। तो जैसलमेर में इस बात के सबूत भी रखे गए हैं, कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जैसे कि फॉसिल्स पार्क है, एक जीवाश्म का पार्क है जो लकड़ियों पे पाया गया है, वो अकाल एंड मरीन डिपॉजिट्स वगैरह का, उसको जैसलमेर में रखा गया है। और इसकी एज जो है लगभग 180 मिलियन है, ठीक है। तो बहुत पहले यहाँ कोई समुद्र रहा होगा। दो द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डिजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू। इसके भीतर का भी जो ज़मीन है वो किस तरह का है? पेनिसुलर प्लेटू का। ड्यू टू एक्सट्रीम एयर एरिड कंडीशन, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखे मौसम होने की वजह से इसका जो सतह है वो क्या हो गया है? फिजिकल वेदरिंग एंड विंड एक्शन, सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डिजर्ट लैंड फीचर प्रेजेंट हियर आर मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस।
ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डिजर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ओरिएंटेशंस के बेसिक पे डिजर्ट्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो आप? दो भागों में, द नॉर्थर्न पार्ट और स्लोपिंग टुवर्ड द सिंध एंड द साउदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट कहाँ चला जाएगा? गुजरात की ओर चला जाएगा, कच्छ, रन ऑफ कच्छ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन आर एफीमेरल। द लूनी नदी जो है वो राजस्थान की शायद एकमात्र नदी है, और ये नदी क्या है कि बरसात के दिनों में भर जाती है और सूखे के दिनों में गायब हो जाती है। इसका पानी समुद्र के मतलब रेत के भीतर ही गायब हो जाता है, ठीक है। लो प्रसिपिटेशन एंड हाई इवापोरेशन मेक्स इट वाटर डेफिसिट रीजन। पानी कम होता है लेकिन धूप की वजह से बहुत ज़्यादा पानी वापस इवापोरेट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पानी की कमी रहती है, ठीक है। देयर आर सम स्ट्रीम्स विच डिजअपियर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस एंड प्रेजेंट्स अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बाय जॉइनिंग अ लेक और प्लाय। मतलब जो नदियाँ छोटी मोटी हैं वो बहती हैं और कुछ तो रेत में ही गायब हो जाती हैं, कुछ दूर बहने के बाद ही वो रेत में ही धंस के गायब हो जाती हैं, और कुछ जो है वो छोटी मोटी आस पड़ोस की लेक में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ जो लेक्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा खारे हैं, और यहाँ के लेक से नमक बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोस्टल प्लेन या फिर समुद्री तटों की। भारत के पास एक बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है, समुद्री तट है, और ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू, दो भागों में बांट सकते हैं इसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो एकदम सिंपल, कैसे मैप बनाओ फिर से एक बार। ये रहा हमारे भारत का मैप, ठीक है। तो इसको डिवाइड कैसे किया, बीच से डिवाइड कर दिया, एक साइड ये कौन सा पार्ट हो गया, वेस्ट, ये कौन सा हो गया, ईस्ट। तो कोस्टल प्लेन्स को कौन से दो भागों में बांटा गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सिंपल, इतना तो याद रहेगा ही, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। इट इज बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। द्वारका नाम की एक जगह थी जो भारत की मेनलैंड में सिचुएटेड करती थी वेस्ट कोस्ट में, वो क्या हो गई, अब पानी में समुद्र में सबमर्ज्ड हो गई, डूब गई। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्ज्ड इट इज अ नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ। लेकिन कुछ पोर्ट्स के डूब जाने के बावजूद ऐसी चीज़ें नेचर हमें प्रोवाइड करती है क्या, पोर्ट्स बनाने के लिए, समुद्री तटों पर बंदरगाह बनाने के लिए, हार्बर्स बनाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। देखो कौन कौन से, कांदला, मजगांव, जेल एंड पोर्ट, नावासेवा, मरमगांव, मैंगलोर, कोचीन, ये क्या है, ये बहुत फेमस पोर्ट्स हैं, एटसेट्रा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स, और ये क्या है, नेचुरल पोर्ट्स हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट से ही ये शुरू हैं, और ये कहाँ तक जाती हैं, नॉर्थ टू केरला कोस्ट इन द साउथ, नॉर्थ से केरला तक जाती हैं। जबकि वेस्टर्न कोस्ट को भी दो भागों में मतलब डिवाइड किया जा सकता है, वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया जा सकता है किस में, द कच्छ एंड काठियावार कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, कच्छ एंड काठियावार कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवा कोस्ट, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट कर्नाटका, केरला, ये आदि। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को इतने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोवर इन द मिडिल, बीच में ये नैरो हैं, और ब्रॉडर किधर है, चौड़े ज़्यादा किधर हैं,
टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की ओर चौड़े हैं। देखो अगर ये हमारा कोस्ट है तो ये जो बीच का हिस्सा है ना ये पतला है, और जितना आप ऊपर की ओर जाते जाओगे ये चौड़ा होता जाएगा, चौड़ा होता जा रहा है ना, और जितना साउथ की ओर जाओगे उतना घटता जाएगा। ठीक है, द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। इस तरफ से जितने भी इस प्लेन से जितने भी रिवर्स बहती हैं वो कोई डेल्टा नहीं बनाती, याद रहेगा। द मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स विच आर यूज फॉर फिशिंग। कयाल्स में बैक वाटर की एक फीचर्स मिलती है जिसको हम क्या करते हैं, फिशिंग के लिए यूज करते हैं। इनलैंड नेविगेशंस के लिए, दिशा को ज्ञात करने के लिए भी यूज किया जाता है, और ऑल्सो ड्यू टू स्पेशल, और यहाँ पर मतलब टूरिस्ट भी खूब आते हैं। यहाँ पर एक बोट रेस होता है बहुत ही फेमस, जिसका नाम है बेल्लमकल्ली बोट रेस। आप अगर बागी मूवी देखी होगी तो बागी मूवी में वो बोट रेस दिखती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, पूर्णमदा कयाल इन केरला। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रोडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा चौड़ा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज। इस तरफ में बहुत सारे डेल्टाज हैं, ठीक है, फॉर्म बाय द रिवर्स ईस्टवर्ड इन द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। दिस इंक्लूड्स द डेल्टा ऑफ महानदी, महानदी का डेल्टा भी इंक्लूड करती है ये, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का भी। बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जेंट नेचर इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती हैं, बहुत सारे मतलब इमर्जेंट नेचर से बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होती रहती हैं, तो यहाँ पोर्ट्स थोड़े से कम हैं। द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इंटू द सी विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है 500 किलोमीटर तक सी में, और इसीलिए यहाँ पर पोर्ट्स को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आइसलैंड्स की बात करें, देयर आर टू मेजर आइसलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। दो तरह के आइसलैंड्स है, देखो सबसे पहले एक इस तरफ के आइसलैंड जिसको अरेबियन सी के आइसलैंड्स कहते हैं, यहाँ भी कुछ आइसलैंड्स हैं जिसको बे ऑफ बंगाल के आइसलैंड्स कहते हैं, फिर यहाँ भी कुछ आइसलैंड्स हैं जिसको अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के आइसलैंड्स हैं हमारे पास, इतना याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। तो द बे ऑफ बंगाल आइसलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 572 लैंड। तो हमारे पास सिर्फ बे ऑफ बंगाल में कितने आइसलैंड्स हैं, 572 आइसलैंड्स। दीज आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 degree north टू 14 degree north एंड 92 degree east से 94 degree east तक रहते हैं। द टू प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इंक्लूड द रिचीज आर्किपेलागो एंड द लिब्रिंथ आइसलैंड। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो ये पूरा दो भागों में बांटा गया है। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार आइसलैंड एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटी। और इस समय क्या हुआ था 2004 में, जहाँ तक मुझे याद है इसी समय सुनामी आई थी, और सुनामी ने हमारे आइसलैंड्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। दे आर सेपरेटेड बाई अ वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड 10 degree channel। ठीक है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। तो ऊपर कौन है, अंडमान, नीचे कौन है, निकोबार, और इन दोनों को एक वाटर बॉडी जो है वो डिवाइड करती है, और उसका नाम क्या है, 10 degree channel। क्या है, 10 degree channel। इट इज बिलीव दैट दीज आइसलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स।
ठीक है। सबमरीन माउंटेंस कौन से माउंटेंस हैं जो आधा से ज़्यादा पानी के नीचे दबे हुए हैं। हाउएवर सम स्मॉलर आइसलैंड्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन, मतलब कुछ आइसलैंड्स पे ज्वालामुखी वगैरह भी देखने को मिलता है। भारत में सिर्फ एक ही ऐसा वोल्केनो है जो एक्टिव है। इन ओरिजिन बैरन आइसलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, और उसका नाम क्या है, बैरन आइसलैंड। ये सिर्फ इकलौता ऐसा वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो भारत में एक्टिव है, और ये कहाँ है, निकोबार आइसलैंड में। सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, अगर आप देखना चाहो तो अंडमान और निकोबार के माउंटेन पीक्स में ये सब देख सकते हो। एक तो है सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है, इसकी हाइट 7738 मीटर है। और उसके बाद है माउंट डियाबेलो, ये मिडिल अंडमान में है और 515 मीटर है। माउंट कोयोब है 460 मीटर ऊंचा, और माउंट थ्यूलर है 462 मीटर ग्रेट निकोबार में। द कोस्टल लाइन हैज सम कोरल डिपॉजिट्स, कोरल भी एक प्रकार के जीव होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एंड ब्यूटीफुल बीचेस, तो कोस्ट लाइन्स पे क्या है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बीचेस हैं जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी खासी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक ठाक बारिश होती है। और हैव एन इक्विटोरियल टाइप ऑफ, जो इक्वेटर्स पे जैसी वेजिटेशंस होनी चाहिए वैसी ही वेजिटेशंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, साथ ही साथ कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।